भगवान भोले की नगरी काशी में सृष्टि के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती को लेकर तैयारियां जोरों पर है। फैक्ट्री, कारखानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भगवान विश्वकर्मा के पूजन को लेकर तैयारियां जारी हैं। बाजार भी विश्वकर्मा पूजा के लिए सज गए हैं। भगवान विश्वकर्मा की अलग अलग तरह की प्रतिमाएँ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, जिसमें इको फ्रेंडली मूर्तियों की खासा डिमांड इस बार देखने को मिल रही है। बात यदि इन इको फ्रेंडली मूर्तियों की करें तो गंगा की शुद्ध माटी से कारीगर इन मूर्तियों को तैयार करते हैं, जिसकी डिमांड न सिर्फ वाराणसी बल्कि यूपी के अलग अलग जिलों से आ रही है। गंगा मिट्टी से बनती है, जल निगम से मिट्टी आती है, अस्सी घाट से भी आती है और सब जितना कलर जो चीज हमारा है सब वाटर कलर है, पानी में गलने वाला, कोई इससे प्रदूषण नहीं है न कोई खराबी हमारा। डिमांड की बात करें तो डिमांड भी इस साल थोड़ा बढ़ गया क्योंकि दो तीन साल बंद था इसलिए। मूर्तिकार बद्री प्रसाद प्रजापति ने बताया कि हम लोगों ने इस बार भगवान विश्वकर्मा की इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार की है। इन मूर्तियों की खास बात यह है कि गंगा के शुद्ध माटी के अलावा नेचुरल रंगों से इसे सजाया जाता है। ये मूर्तियाँ नेचुरल रंग और मिट्टी से बनी हैं, लिहाजा विसर्जन के वक्त भी ये किसी भी नदी या तालाब के जल को किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। मूर्तिकार अमित ने बताया कि इन मूर्तियों की कीमत 500 रुपये से शुरू होती है और जैसे जैसे साइज हो वैसे इसका दाम होता है। मूर्तिकारों की माने तो इस बार बाजार में रौनक भी है, क्योंकि कोरोना के कारण दो साल बाद विश्वकर्मा पूजा इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐसे में इन मूर्तियों की डिमांड भी पहले से बेहद ज़्यादा है। है कि जो यहाँ जो काम होता है छोटे मूर्ति में वो कहीं और इस टाइप का नहीं मिलता है, तो ये जो काम करते हैं हम लोग बहुत लगन से बहुत मेहनत से करते हैं। अब आगे जाके जो इसका स्थिति पता चले, कीमत जो है हम लोग के 500 से जैसे 700 तक का होता है, क्योंकि हम लोग भी भाई उतना लागत लगाते हैं, सामान भी आता है कलकत्ता से वो भी महंगा पड़ता है। तो